मदर्स वाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप लोगों को पाठ चार ऊर्जा और शक्ति के संसाधन का अध्ययन करा रहे हैं, आज हम उसी के आगे की चर्चा करेंगे और सभी बच्चे अपने बुक के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। आज हम आप लोगों को जैव समूह बायोमास के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है। जैव समूह ये जो है, जैव समूह पेड़ पौधे तथा जंतुओं के अवशिष्ट या ऊर्जा पदार्थ जैव समूह कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ईंधन, लकड़ी, कृषि और वनों के अवशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मलमूत्र आदि आते हैं। बायोमास कार्यक्रम दो चरणों का है, प्रथम चरण उत्पादन का और दूसरा उपयोग का। उत्पादन कार्यक्रम में कम समय में भीतर जलवायु लकड़ी पाने के लिए शीघ्रता से उगने वाले पौधों की खोज तथा वनस्पति विहीन भूमियों पर वृक्ष लगाना सम्मिलित है। जैव समूह उपयोग कार्यक्रम के दो प्रमुख संगठक हैं, पहले जैव समूह भी क्रिएटिंग और दूसरा जैव समूह गैस से बदलना, ये इसके दो भाग हैं। और बायोगैस में आप समझ लीजिए, बायोगैस को पौधों की व्यर्थ सामग्री, कूड़ा करकट, कृषि का झाड़, झंझाड़, फसलों के अवशिष्ट से बनाया जाता है। जो है पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनके माध्यम से कूड़ा करकट, कृषि झाड़, झंझाड़, फसलों के अवशिष्ट आदि से बनाया जाता है। बायोगैस हाई जेस्टर की सहायता से इसका उत्पन्न करते हैं। इसके मुख्य संगठक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके जो मुख्य जो घटक है वो कौन कौन से हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका प्रयोग एलपीजी के स्थान पर किया जाता है। इसका प्रयोग और कहां करते हैं? एलपीजी जो हम खाना बनाने में गैस का जो उपयोग करते हैं वो एलपीजी ही गैस होती है। इसमें यद्यपि बायोगैस को और गोबर गैस बनाने की प्रक्रिया एक ही है, लेकिन इनमें से कुछ विभिन्नताएं हैं। जैसे बायोगैस को पौधों और वनस्पतियों की व्यर्थ सामग्री से तैयार किया जाता है, तो गोबर गैस को पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के मलमूत्र से बनता है। क्या बनता है? बायोगैस। बायोगैस का मतलब होता है जैसे गोबर गैस, जिसे गोबर गैस का ही परिवर्तित रूप है बायोगैस। दूसरा है, बायोगैस में मीथेन की अत्यधिक मात्रा 80% होती है, इससे तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। गोबर गैस में मीथेन की केवल 55% मात्रा होती है। गोबर गैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित उद्योगों या उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जैसे किसानों की ऊर्जा और खाद की आवश्यकता पूरी करने के लिए, गांव को विद्युत की आवश्यकता को स्वयं पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए, गांव को सस्ती दर यानी कम खर्चे पर ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ये किसका उपयोग करते हैं? बायोगैस का। अब अगला हम बताएंगे आपको भूतापी ऊर्जा, ये क्या है। 1904 में इटली में भूतापी ऊर्जा का विकास किया गया था। अब रूस, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मैक्सिको, हवाई द्वीप तथा कैलिफोर्निया में भूतापी ऊर्जा का उपयोग किया जाता
है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा पानी के सकरे प्रवेश द्वार में जाने वाले ज्वार उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा विद्युत बनाने में काम आती है। ऊर्जा का उत्पादन करने के अनुकूल स्थान है जैसे सुंदरवन का डेल्टा में भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह अनुमान के 3 घाटियों में 8,000-9,000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। वर्ष 1988 में कच्छ की खाड़ी में 600 मेगावाट ज्वारीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। फिर है आपका नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त खनिज यूरेनियम थोरियम जिंक्रोमियम तथा चेरेलाइट है जो आपका नाभिकीय ऊर्जा विखंडन जो हम तैयार करते हैं उसमें कौन कौन से वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। यूरेनियम थोरियम जिंक्रोमियम और चेरेलाइट। इस समय ऊर्जा के प्रमुख साधन कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। पेट्रोलियम तथा गैस भंडार देश में अपर्याप्त हैं। कोयले के भंडार आसमान वितरित हैं तथा केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में यूरेनियम की एकमात्र 1,000 टन कोयले के बराबर शक्ति प्रदान कर सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है यूरेनियम यदि 1 ग्राम हम यूज करते हैं उसकी अपेक्षा आपको 1,000 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। नाभिकीय शक्ति ग्रहों को आसानी से उन स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां अन्य शक्ति संसाधन नहीं है अथवा कम मात्रा में है। यह बीज परिष्कृत नाभिकीय ऊर्जा करके कृषि को उन्नत करती है। औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसमें बहुत उपयोगी। तो ये आपके कुछ जैव समूह हैं जिन्हों बायोगैस के नाम से भी जानते हैं और इन्हें आप सभी बच्चे बुक के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे और आगे के हम कल इसके आगे आपको समझाएंगे। धन्यवाद।